आज की जो वीडियो है वो MI अकाउंट रिमूव करने के बारे में है। तो MI अकाउंट रिमूव कैसे करते हैं तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। MI अकाउंट UMT से कैसे रिमूव करते हैं वो भी देखेंगे और आखिरी तक बने रहे ताकि आपको पूरा MI अकाउंट के बारे में और MI अकाउंट किस तरह रिमूव करते हैं UMT से वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर टोटली दिखाई देगी। और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइए और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको टोटली समझ आए ये किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से हमें MI अकाउंट रिमूव करना आता है। और ये टूल की मदद से बहुत से ऐसे FRP अनलॉक भी होते हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हर एक जो FRP होती है वो किस तरह से निकालते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए ये वीडियो में आखिरी तक ताकि आपको टोटली चीज़ें समझ आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कनेक्ट करने से पहले हमें फ़ोन की बैटरी को रिमूव करना है, बैटरी काटना है। और यहाँ पर EDL मोड होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो दो पॉइंट होते हैं वो EDL मोड के होते हैं, उसे टूजर की सहायता से दबा कर रखें और बाद में पिन डाटा केबल को इंसर्ट करें और यहाँ पर देखें अपने ड्राइवर्स यहाँ पर दिखाता है आपको कॉल को पोर्ट दिखाएगा आपको। अगर पोर्ट दिखा रहा है तो ठीक है, आपका PC को ये फ़ोन कनेक्ट हो गया है। तो इसके बाद में जो प्रोसेस है आपके PC में कॉलकॉमो के ड्राइवर्स होना चाहिए तभी यहाँ पर कॉलकॉमो का पोर्ट बनेगा। और ये देख सक रहे हैं कि ये देख सकते हैं आपकी ये अभी फ़िलहाल हम इसे टोटली MI अकाउंट को MI नोट 4 के MI अकाउंट को अनलॉक कर रहे हैं। ये प्रोसेस जब तक ख़त्म होती है मैं आपको बताते चलूँगा और लास्ट में आपको प्रोसेस की टोटली बताऊंगा। तो चले देखते हैं अभी और कितना टाइम लेता है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ओके डन हो गया है और ये आप हमारे हैंडसेट को ऑन करके देखते हैं, ये देखिए पूरा अनलॉक हो गया है। UMT टूल के ज़रिए से वन क्लिक में सिर्फ इतने जल्दी MI अकाउंट रिमूव होता है। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो सपोर्ट बना रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से अनलॉक हो गया है। अब मैं आपको चलो यहाँ पर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि इसकी प्रोसेस किस तरह से होती है। तो हमें पहले रिडेंट टूल में जाना है। रिडेंट टूल में जाकर हमें यहाँ पर Xiaomi मॉडल लेना है। Xiaomi मॉडल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर नोट 4 ऑप्शन सेलेक्ट करना, जो भी आपका हैंडसेट हो, नोट 4, नोट 5। यहाँ पर नोट 4 सेलेक्ट किया। अब जैसे कि ये नोट 4 हैंडसेट है इसलिए हमें नोट 4 यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा।
यहाँ पर नोट फोर सेलेक्ट किया, यहाँ पर शाओमी स्पेशल में जाना है और इस न्यू एमआई अकाउंट को रिमूव करना है। यहाँ पर वो बटन क्लिक करने के बाद में आपके फ़ोन को EDL मोड में कनेक्ट करना है। EDL मोड में कनेक्ट करके USB केबल को कनेक्ट करना है, फिर आपका यहाँ पर पूरा एमआई अकाउंट रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह की वीडियो मैं लाते रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।